आज के नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी हम बैठे हुए छट्टा के करीब दरिया सिंध का जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे, तो आज एक ब्रिज के मुतालिक एक शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं और आपको इसके बारे में व्लॉग में दिखाता हूँ। रिवर मेरे पीछे आपको सीनरी नज़र आ रही है बैकग्राउंड में, तो ब्रिज के साथ हम बैठे हैं। चलें आगे आपको इसके ब्रिज वगैरह दिखाता हूँ, पुराना भी है और नया भी है, तो आए चलें। ये भाई देख रहे हैं यहाँ पे पहले फौजियों की चौकी थी, अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, छत भी गिर गई है, खस्ता हालत इसकी देख सकते हैं आप। और ये हमारा साथ सामने दरिया जा रहा है, दरिया सिंध, इंडस रिवर भी बोलते हैं। भाई ये आप पीछे देख रहे हैं कि हमारा जो पहले का बना हुआ था ब्रिज पुराना, तो ये जो कि अभी ये बंद किया हुआ है, देखिए इन्होंने यहाँ पर ये ब्लॉक्स लगा के बंद किया हुआ है, यहाँ पर रास्ता भी नहीं है आम गाड़ियों के लिए आने के लिए, ये खस्ता हालत हुई है इसकी। तो अभी इन्होंने बनाया हुआ है नया ब्रिज। ये हमारे साथ राशिद भाई भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे, सोचा कि एक नई वीडियो बना लें आपके लिए। और ये भाई हमें नज़र आ रहा है हमारा ये नया पुल जो कि अभी 2017 में बनाया गया था। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी एक यहाँ पर पत्थर लगा हुआ आपको दिखाते हैं। भाई इस ब्रिज का नाम है दुल्लाह दरिया खान ब्रिज ओवर रिवर इंडस ऑन ठट्टा सजावल रोड। भाई ठट्टा और सजावल के रोड के दरमियान ये है। दुल्ला दरिया खान के बारे में थोड़ा सा ये बायोग्राफी और इसके बारे में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये नए ब्रिज की, तो नया ब्रिज के टाइल यहाँ पे लगी हुई है। नया ब्रिज सैयद मुराद अली शाह जो इस वक्त सिंध प्रोविंस के वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने 27 जनवरी 2017 को इसकी इफ्तिताह किया था इसका। सो देखते हैं अभी। भाई बाइक ऊपर खड़ी करके अभी हम ज़रा नीचे आए हैं। ये ऊपर जो हमारा नया पुल बना था ना 2017 में, उसके नीचे खड़े हुए तीन पिलर्स के साथ, ये मतलब बेस उसकी तीन पिलर्स में रखी हुई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं सारे। और ये जा रहे हैं अभी हम आगे, ये वहाँ पर सामने स्केल बने हुए हैं मतलब मेजरमेंट के लिए, ये आपको दिखाऊं तो नज़र आ रहे होंगे आपको, ये स्केल है पानी की मेजरमेंट के लिए होता है स्केल। तो चलते हैं अभी आगे देख रहे हैं। भाई ये अभी हम आए हैं दरिया के पानी के पास, यहाँ पर दूर दूर तक सारा हमें रेत ही नज़र आ रही है, तपती हुई गर्म रेत है, बंदा यहाँ पे नंगे पाँव पे चल भी नहीं सकता। ये भाई हम पानी के पास आ गए हैं, देख सकते हैं आप, ये पानी दरियाए सिंध का पानी आ रहा है, कहाँ से पूरे मतलब कश्मीर से लेके यहाँ तक सारा सारे दरिया मिलकर इसमें इकट्ठे हो रहे हैं। ये ऊपर हमारे पुल है, ब्रिज, ये पुराना है और ये नया है पूरा, वो दूसरे वाला। नीचे चीकड़ है बिल्कुल, सारा पानी मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप, चीकड़ नहीं कीचड़। जी भाई अभी रेत में आपको काफ़ी सारी वीडियोस दिखाई हैं पानी की भी, और अभी आपको ये बताना था कि साल के आखिरी चल रहे महीने, तो अभी दो महीने पहले जब सैलाब की सूरत हाल का आई थी खबरें, उस टाइम पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था इसका,
और आजकल इसका पानी बहुत कम हुआ है, कम है पानी, ज़्यादा कम है, स्टेबल से भी कम है। तो ज़्यादा राशिद भाई आपको बताते हैं इस बारे में। राशिद भाई, ये अगस्त से लेकर नवंबर तक इसमें पानी की बहुत सतह होती है, यहाँ पे पानी बहुत होता है, सैलाब का भी यहाँ पे खतरा होता है। लेकिन अभी माहौल बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं पानी इतना नहीं है, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि जो नीचे वाले हिस्से हैं वहाँ पे पानी जा चुका है, अभी यहाँ पे नहीं। अभी पंजाब से पानी आएगा, वो जनवरी से, जुलाई से लेके अगस्त तक यहाँ पे पानी होगा, बहुत पानी होगा। जी आपने सुना। और यहाँ पे जब सैलाब आया था, कब आया था सैलाब? 2010 को 2010 में सैलाब आया था, तब यहाँ पे बहुत तबाही मचाई थी इस दरिया की वजह से। तो बहुत और दूर दूर जब तक यहाँ पानी पे गया पानी था। जब सैलाब का यहाँ पे 2010 पे आया था, तो ये जो आप देख रहे हैं पुल, देख रहे हैं ब्रिज, इससे ऊपर मतलब रोड पे पानी आ रहा था इसका। तो ये पुल तो नहीं नहीं थी, ये नहीं जो बनी है अभी वो नहीं थी, यही थी। तो उस पे इतनी सारी मतलब रश थी, और गाड़ियां, माल वगैरह, मवेशी जो भी था सब यहाँ पे थी, और खतरा यही था कि ये पुल टूट जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुल टूटी नहीं, और उसके बाद ये पुल तामीर की गई, जो आप देख सकते हैं अब्रेश भाई, आप उन्हें दिखाएं। ये वाली ये 2017 को बनी है। और अभी हम जो ओल्ड था ना ब्रिज, उसी के नीचे खड़े हुए, तो जिसकी बहुत नाजुक सूरत हाल चल रही है। ठीक बहुत है, नाजुक सूरत है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा वापस। तो आज के लोग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हमने सिंध, दरियाए सिंध की, ठट्टा और सजावल के दरमियान जो ब्रिज है उसकी। तो उम्मीद है आपने लाइक मतलब पसंद आई होगी आपको। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।